यहाँ पे आता है पॉलीगन। यहाँ पे अलग अलग शेल्फ्स हैं। देखो आप किसी भी टूल को कभी भी गायब कर सकते हो, मान लो ये शेल्फ गायब कर सकते हो, ये मेन्यू बार गायब कर सकते हो और वापस ला भी सकते हो। कैसे? यहाँ राइट क्लिक करोगे डॉटेड लाइन पे, ये डॉटेड लाइन, ये री ये री ये री, कहीं पे भी डॉटेड लाइन पे क्लिक करो, ये टिक मार्क्स आ रहे हैं। लाइक जैसे मैंने ये टिक मार्क को ऑफ कर दिया तो गायब हो गया, और भी नीचे का गायब हो गया, टूल बॉक्स गायब हो गया, गायब हो गया। वापस लाना है तो वही टिक ऑन कर दो, अगर आप नहीं चाहते कि ये टिक ऑन करे तो विंडो में जाना, सेटिंग में जाना, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में यहां पे एडिट में ना रीस्टोर कर देना, सब वापस आ जाएगा। सर रिस्टोर से 100% आएगा किसी भी हालत में। देन मैंने आपको बताया था कि माया में अनडू अनलिमिटेड होते हैं, दोबारा बता रहा हूँ कैसे स्टोर करना है। विंडो में, सेटिंग में, प्रेफरेंसेस में अंडू है, डिफॉल्ट 50 मिलेंगे आपको, और अंडू चाहिए ही नहीं तो ऑफ भी कर सकते हो, पर ऑफ कोई नहीं करता, हर कोई 50 से भी ज़्यादा कर लेता है। और आपको अनलिमिटेड चाहिए कि क्योंकि 3D है, 3D में बहुत वास्ट चीज़ें होती हैं, तो आपको अनलिमिटेड अंडू चाहिए होते हैं, इनफिनिट कर देना तो आपके अंडू भी अनलिमिटेड हो जाएंगे। देन लाइट जाने के कारण आपकी फाइलें सेव रहे, इसके लिए फाइल प्रोजेक्ट्स हैं, आप ऑटो सेव को अनेबल कर लेना, ये हमेशा ऑन रखना, नहीं तो लाइट चली गई कभी भी कुछ भी हुआ बैकअप नहीं मिलेगा। अगर ये ऑन हुआ तो बैकअप मिलेगा। अब बात करते हैं बैकअप कहाँ मिलेगा, क्या कह रहा, बैकअप मिलेगा माई डॉक्यूमेंट में, माया में, प्रोजेक्ट, इसके अंदर है ऑटो सेव, यहां पे आपको बैकअप मिलेगा। समझ आया बैकअप कैसे मिलेगा? कर सकते हो। अब देखो आपको लोकेशन भी चेंज करनी है अपने ऑटो सेव की, और जो भी फाइलें सेव हो उसकी भी लोकेशन सेव करनी है। अगर भी कोई फाइल सेव कर रहे हो तो डिफॉल्ट कहाँ हो रही है? डी ड्राइव, कार, प्रोजेक्ट, सी। ठीक है, मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ऑटो सेव भी डी ड्राइव कार प्रोजेक्ट में हो रहा है, फाइलें भी इसी में हो रही है। आप अपने कंप्यूटर पे अपना प्रोजेक्ट बना लेना। कैसे? देख लो, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब ध्यान से देखो। आपको अपने माया का फाइलें चाहते हो कि डायरेक्ट डी ड्राइव में आपके नाम के फोल्डर में सेव हो, आपके ऑटो सेव जो भी ऑटो बैकअप है वहीं सेव हो, और जो भी टेक्सचर लो फ्यूचर में वो भी वहीं सेव हो। मीन्स एक तरह से कंप्रेस कर रहे हो अपनी सारी फाइलें, तो उसके लिए क्या करना है, फाइल में, प्रोजेक्ट विंडो, तो सेट प्रोजेक्ट, सेट प्रोजेक्ट में जाओ। मैं चाहता हूं डी ड्राइव में या ई ड्राइव में कोई फोल्डर बना दो, मैं चाहता हूं इस बैच नाम के फोल्डर में सारी चीजें जाएं, ऑटो सेव भी, आपकी सेव फाइल भी इसके अंदर जाए, तो वही फाइल में, सेट प्रोजेक्ट में गए, यहां पे ई ड्राइव पिक कर लो, बैच को सेलेक्ट करना और यहां सेट पे क्लिक कर देना। देन वो कहेगा कि यही लोकेशन करनी है या इसे ही डिफॉल्ट बनाना है, इसे ही डिफॉल्ट बनाना है। ठीक है, क्लिक ऑन क्रिएट डिफॉल्ट वर्क प्लेस, दोबारा बता रहा हूं, अब नोट कर लो, गो टू फाइल, सेट प्रोजेक्ट, देन सेलेक्ट योर फोल्डर, देन क्लिक ऑन सेट। देखो प्रोडक्शन में जब आप जॉब करोगे तो आपको सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना पड़ता है, क्योंकि वही प्रोजेक्ट फोल्डर सब यूज करेंगे। मान लो मूवी बना रहे हो टेंगल्ड,
तो उसी नाम का फोल्डर बनाओगे, उसी के अंदर मॉडल करोगे, वही फोल्डर आगे पास कर दोगे किसी और को, फिर वही वो फोल्डर यूज करेगा अपना प्रोजेक्ट बना के, वही फोल्डर बार बार सबके पास यूज होता रहेगा। जैसे मैंने बैच बनाया ना, मान लो बैच नाम की मूवी है, तो यही फोल्डर में सबको ट्रांसफर करता रहूँगा, इसी फोल्डर के अंदर सब कुछ होगा, पूरा पैकेज है ये, सेट कर दो। देन क्लिक ऑन क्रिएट डिफॉल्ट वर्क स्पेस, ये लास्ट स्टेप है इसका। अभी बता रहा हूं। अब देखोगे आपका जब कोई सीन सेव कर रहे हो, जब कोई फाइल सेव कर रहे हो, प्रोजेक्ट विंडो में जाके, प्रोजेक्ट विंडो में जाके देन क्रिएट डिफॉल्ट वर्कस्पेस का नेक्स्ट स्टेप है, गो टू प्रोजेक्ट विंडो। पहले हम सेट प्रोजेक्ट में गए थे ना, अब प्रोजेक्ट विंडो में जाएंगे, गो टू प्रोजेक्ट विंडो, क्लिक ऑन एक्सेप्ट, दैट्स इट, आपका पैकेज बन गया। अब यही पैकेज आप सबको देते रहोगे, रिगर को, फिर एनिमेटर को, फिर लाइटिंग को, फिर रेंडरिंग को। आप देखो जब भी फाइल सेव करोगे, माया बंद करके एक बार खोलना पड़ेगा, जो हमने डी आर एन ड्राइव में बैच नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर देखो कितने सारे फोल्डर डिफॉल्ट बन गए। मैंने नहीं बनाए, मैंने तो खाली बैच बनाया था। टेक्सचर फाइलें सोर्स इमेजेस में डलेंगी, आपकी माया फाइल जब सेव करोगे सीन के अंदर सेव होगी, बैकअप ऑटो सेव में मिलेगा। समझ आया? देखो आप जब भी सेव करोगे, कौन सा फोल्डर कहां सेव हो रहा है, ई ड्राइव में, बैच के अंदर, सीन के अंदर। तो फोल्डर बनाने का ये फायदा है, आपको जब भी कंट्रोल एस मारोगे ना, आप हर बार ढूंढते थे कहां सेव हुआ, डेस्कटॉप पे हुआ, डी ड्राइव में हुआ, अब ये श्योर हो गया कि आपका ई ड्राइव में बैच के अंदर ही सेव होगा। समझ आया? और बैकअप भी ई ड्राइव में बैच के अंदर ही सेव होगा हमेशा, जब तक आप अगला चेंज नहीं करते। कोई डाउट यहां तक? अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल वाई। मान लो अगर कोई चीज आपने बनाई, उसको दोबारा रिपीट करना है, जी फॉर रिपीट कमांड, जी, देखो बॉक्स दोबारा बन रहा है, जी प्रेस करके, जी फॉर रिपीट कमांड। अब हमने लास्ट क्लास में, ये सारे अलग अलग पैनल है, सबसे पहला पैनल हमने किया पॉलीगन, पॉलीगन मॉडलिंग नया टॉपिक है, जिन्होंने पिछली 4-5 क्लासेस नहीं की उन्हें भी ये समझ आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अनमोल नया टॉपिक है, यहां से लेना बॉक्स, बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करके आता है वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स पॉइंट्स, वर्टेक्स की शॉर्टकट है F9, देन फिर आता है एज, राइट क्लिक करके आ रहे हैं सारे टूल, वर्टेक्स एज, एज मीन्स ही कॉर्नर्स, साइड्स, देन फिर आता है राइट क्लिक करके फेस, फेस मतलब पूरा सेक्शन, शॉर्टकट है F9, F10, F11, क्लियर? F9, F10, F11, देन ये जो आपने बॉक्स लिया,
ये जितने भी टूल्स हैं इन सबको एडिट और मॉडिफाई करना होता है, तो उनके लिए तीन मेन्यू है, मैश मेन्यू, एडिट मैश मेन्यू और मैश टूल। सारे टूल इन तीन कैटेगरीज के अंदर है। तो हमने लास्ट क्लास में किया था एक्सट्रूड और इंसर्ट एज लूप टूल। तो सबसे पहले टूल कर रहे हैं हम इंसर्ट एज लूप टूल, नहीं एक्सट्रूड करते हैं सबसे पहले। ये रहा सबसे पहला टूल एक्सट्रूड, इसकी शॉर्टकट नहीं होती, बनानी पड़ती है, मैंने बनाई हुई कंट्रोल ई। क्या करना है आपको, फेस मोड में जाके, फेस मोड में जाके एडिट मैश में है एक्सट्रूड, नहीं तो यहां पे बना बनाया सिंबल भी है, दोनों सेम है। क्लिक करते ही आपके पास ये एरो आ रहे हैं, इससे देखो ऊपर जा रहे हैं, रेड वाले से इधर जा रहे हैं, जेड वाले से प्रॉपर एक्सट्रूड हो रहा है, एक्सट्रूड हो गया, एलमीरा बन गई। और एलमीरा बनी है पेपर की, थिकनेस नहीं है, असल में कागज की एलमीरा है। तो आपको क्या करना है, यहां पे आता है इंसर्ट एज लूप टूल, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो देखो यहां पे एक सेक्शन आ गया। अब फेस मोड में अगर आप सेलेक्ट करोगे, पहले क्या हो रहा था, यहां तक सेलेक्ट हो रहा था, यहां तक, और अब क्या हो रहा है, खाली यहां तक हो रहा है। और अब एक्सट्रूड करूंगा तो देखो यहां थिकनेस आ रही है, जबकि यहां नहीं आ रही। तो आपको हर चारों साइड पे इंसर्ट एज लूप टूल से, इंसर्ट एज लूप टूल से पूरा लूप डाल देना है, क्लिक एंड ड्रैग। मैक्स में ये टूल थोड़ा मुश्किल होता है, मैक्स में थोड़ा पहले रिंग करो फिर एज डालना पड़ता है, पर माया में बहुत इजी है, मैक्स से ज्यादा मॉडलिंग माया की इजी है, ठीक है। इसलिए जो गेमर्स होते हैं वो माया में ही कैरेक्टर बनाते हैं। अब देखो मैंने चारों तरफ एज डाला, तो ये वाला एरिया मर्जी है सेलेक्ट करो नहीं करो, क्योंकि वो अलग सेक्शन हो गया। तो अब खाली मैं बीच वाला एरिया एक्सट्रूड कर सकता हूँ, अब देखोगे प्रॉपर थिकनेस आ रही है। उसके बाद अगर आपको बीच में शेल्फ चाहिए तो आप इंसर्ट एज लूप टूल से एज डाल सकते हो। मान लो यहाँ पे छोटा सा शेल्फ चाहिए तो छोटा सा डाला, अब देखो ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये तीन सारे सेलेक्ट किए और फिर एक्सट्रूड किए, तो देखो कि क्या होगा। यहां पे शेल्फ नहीं बना, यहां दोनों जगह शेल्फ बन गया या पूरी जगह शेल्फ बन गया। इंसर्ट एज लूप टूल का फायदा है, समझ आया। अलमीरा बनाने में बहुत काम आएगा ये, अब एक अलमीरा बनाते हैं इससे। आपने आप सेलेक्ट होगा ही नहीं ना, वो खाली प्रीव्यू दिखा रहा है, मान लो इनबॉक्स बनाया आपने, पीछे भी एक है, सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये तो प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक करोगे तो सेलेक्ट होगा। ये मान लो ये वाली शेल्फ बनाते हैं, अब बताओ क्या कह रहे हो, पीछे भी एक है, पीछे भी इसके पॉलीगन है, ठीक है, शिफ्ट के हाथ से लगते हैं, ऐसे ड्रैग करोगे तो पीछे वाला भी हो जाएगा, क्लिक करके सेलेक्ट करो, क्लिक करके
हाँ ट्रैक नहीं करा। देखो इंसर्ट एज लूप टूल लिया, ऊपर मुझे एक्सट्रूड नहीं चाहिए, चारों तरफ इतना एक्सट्रूड नहीं चाहिए, तो एजेस डाल दो। आप थोड़ी वर्टेक्स मोड में ना एलमीरा बड़ी कर सकते हो जाके। वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक एक दो, ये बड़े वाला है थोड़ा, पहले एक इंसर्ट एज लूप टूल से डालो, फिर एक और डालो, फिर एक और डालो, मतलब दो सेक्शन इसलिए डाल रहा हूँ थिकनेस के लिए, इसमें ज़्यादा थिकनेस होगी, फिर ऐसे एक दो तीन, एक दो तीन। अभी बीच बीच के सेक्शन सेलेक्ट किए और एक्सट्रूड कर दिए। समझ आया? तो इससे इजीली शेल्फ बन सकते हैं। अब बात करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे आपको चाहिए। इक्वल डिस्टेंस पे लाने के लिए आता है मैश टूल में इंसर्ट एज लूप टूल वही, और अब तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल इंसर्ट एज लूप टूल यूज कर रहे थे, इसकी सेटिंग में नहीं गए। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे। अभी ऑप्शन ऑन है रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एज। रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एज क्या होता है, ओनली सिंगल एज देगा, वो भी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, जहां कर्सर है उस वहीं पे आपको ऑन करना है। इक्वल या मल्टीपल, दोनों सेम है। मल्टीपल दोगे, मान लो मुझे इक्वल डिस्टेंस पे दो चाहिए, तो दो डाला यहां पे और क्लिक, इसमें आप ड्रैग नहीं कर सकते, क्लिक, फिर आर आर फॉर स्केल, आर प्रेस करके आप इन्हें बड़ा कर सकते, इनका डिस्टेंस बड़ा कर सकते। इक्वल डिस्टेंस पे आ गई है। ऐसी दोबारा इंसर्ट एज डाला और आर प्रेस करके स्केल कर दिया, इक्वल डिस्टेंस पे आ गए। समझ आया? ऐसे करना है आपको। आगे की टूल्स बताने से पहले मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। मॉडल नंबर लिखो 008, ये आपको ई एलमीरा बनानी है, पीडीएफ दूंगा आपको। देन 014, ये मॉडल नंबर लिखते जाना। जीरो 3, 4, दस हो जाए तो बताना, नहीं 077। देखो प्रैक्टिस इस चीज की जरूरी है इसलिए मैं दे रहा हूँ। 076, शीशा बनाने की जरूरत नहीं है ऊपर का, खाली हाँ बाद में, पर अभी शीशा नहीं बनाना, डायरेक्ट एलमीरा बना देना, कवर मत करना शीशे। Then 081, कितने हो गए?
ठीक है, 6 ही दे रहा हूँ, पर किसी का भी बॉक्स से बना हुआ नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि बॉक्स जोड़ जोड़ के आपने अलमीरा बनाई है, नहीं, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है पिछली क्लासेस में। आपको सब एक्सट्रूड और इंसर्ट एज लूप टूल से बनाना है, ठीक है। ये घर के लिए, अब यहाँ के लिए काम दे रहा हूँ अभी जो आपको बैठ के करना है। ये मुझे दिखा के जाओगे जो मैं दे रहा हूं, 080 086 090, 3 अभी बनाने, 6 घर से बनाने।